फैकल्टी ऑफ फाइनेंस. सो अभी हम हैं यहाँ पर एक एग्जीबिशन चल रहा है जहाँ हम सब फ्रॉम थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर के बैचलर्स के स्टूडेंट्स और मास्टर्स के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपने वर्क्स को डिस्प्ले करते हैं. पूरे साल का जो काम किया है या वो जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं जो भी है. तो दिस एग्जीबिशन बिकॉज फॉर नसरीन मोहम्मदी स्कॉलरशिप अवार्ड. तो ये हर साल होता है यहाँ पर फैकल्टी में दो दिन जनवरी में जहाँ बच्चे अपना काम डिस्प्ले करते हैं और हर ईयर के बच्चों में से एक को वो स्कॉलरशिप अवार्ड मिलता है. तो या दीज आर माई वर्क्स. तो यू वांट एक्सप्लेन एनी आर्ट वर्क ऑफ योर्स. तब मेरा मोस्ट ऑफ द काम एक्सप्लोरेशन पर है, मीडियम एक्सप्लोर करना. तो मैंने काफ़ी सारे मीडियम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है लाइक इंक और वो. तो एक ऐसा मार्क्स के थ्रू क्या मैं विजुअल जो विजुअलाइज कर रही हूँ वो दिखा सकूँ. तो लैंडस्केप वर्क्स मोस्टली हैं तो मैंने सिर्फ ब्रश मार्क्स स्ट्रोक्स और उनसे ये किया है. और अबाउट दिस आर्ट वर्क मैं ज़्यादातर अपने सराउंडिंग्स और अपने आप को लेकर अपने पास को लेकर वर्क करती हूँ. तो इसमें मैंने अपनी आईज को रेफरेंस लेके ये काम किया है. दिस इज़ अबाउट वी कैन से द्रौपदी जी हरण. तो वो स्टोरी सबको पता है. तो यू कैन सी इन द आईज द डिटेल्स आर देयर अबाउट द वस्त्र हरण वाला चीज़. एंड सो दिस इज़ अबाउट दैट द्रौपदी चीर हरण द ड्रेपरी कमिंग द हैंड्स ऑफ द ईवल्स स्नैचिंग हर. एंड दैट वर्क इज लाइक मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ. तो बचपन से घर से नानी के यहाँ जाना ट्रैवल ट्रेन में होता था. तो बीच में टनल आती थी तो सब समझ सकते हैं बच्चों को टनल में कितना मज़ा आता है. वो लोग हूटिंग करते हैं शाउट करते हैं कोई डरता है कोई क्या. तो एक फियर और एक दैट क्रेजीनेस दिखाने के लिए मैंने थोड़ा अपना उसको दिखाने का कोशिश किया. और बच्चों को ऐसा लगता है कि टनल के उधर हेवन है ऐसा. ओके. और एक्सप्लोरेशंस अबाउट द मीडियम सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी जो भी आसपास दिख रहा है वो सब. थैंक यू दिया. थैंक यू.